महामारी व विकट परिस्थितियों में जिन ग्राम एवं समाजजनों ने सहयोग किया, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस महामारी व विकट परिस्थितियों में जिन ग्राम समाजजनों ने सहयोग किया, आपातकाल के समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वाइपे, भोजन व अन्य मेडिकल उपकरण भेंट कर सहयोग दिया, आज उन्हें कोरोना योद्धाओं के रूप में क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि अब कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, उसे वहीं रोकना होगा, जिसे लेकर क्राइसिस की टीम जिले के बाद तहसील व अब ग्रामीण क्षेत्रों की भी बनाई गई है। वह कोरोना से ठीक हुए मरीजों की पूर्ण रूप से जानकारी ली जा रही है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में शुगर व अन्य सिम्टम देखे जा रहे हैं, जिससे ब्लैक फंगस का भय जिले में बढ़ रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विधायक प्रतिनिधि मनोज मित्तल ने बताया कि सरकार कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े व मृतकों के आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं। वहीं आयुष्मान योजना और राशन वितरण में भी घोटाले बताए जा रहे हैं। क्राइसिस मीटिंग में भी पक्षपात किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण पवन अग्रवाल ने सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए सवाल, बताया ठिकरी ब्लॉक में नहीं है एम्बुलेंस की सुविधा व स्वास्थ्य केंद्र में संपूर्ण सुविधा नहीं है, जिसके चलते मरीज का उपचार पूर्ण रूप से चिकित्सक करने में असमर्थ है। बरसों से बंद पड़ी एम्बुलेंस को ठीक करवाने व ठिकरी में वेंटिलेटर की सुविधा देने की बात कही। साथ ही साथ सीईओ पर आरोप लगाते हुए बताया कि सीईओ ने नहीं की ग्राम पंचायतों में विजिट, नहीं दी कोई सुविधा। डिजियाना न्यूज़ निमार रिपोर्ट, ठिकरी।